अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने अरबी लिया है, 250 ग्राम प्याज। सबसे पहले हमने अरबी को लंबे लंबे शेप में कट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इस अरबी के बहुत स्वादिष्ट से सब्ज़ी बनाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक भी करिएगा। तो हम तेल में इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने एकदम लंबे लंबे इसको काटा हुआ है। बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनाने वाले हैं हम इसको। अरवी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और टेस्टी भी लगता है। अगर इसको सही तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा लगता है। अरवी को काटते समय हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के काटा जाता है, वरना हाथ में थोड़ी खुजली होने लगती है। इसलिए अरवी और बंडा ये सारी चीज़ें जो है वो तेल या नींबू लगा करके काटनी चाहिए। तो फ्राई करते टाइम ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। नमक हम अरवी के हिसाब से डाल रहे हैं और मसाले में हम नमक अलग से डालेंगे। नमक डालने से अरवी में भी नमक चला जाएगा और मसाले में अलग से नमक रहेंगे, तो नमक की कहीं कमी नहीं समझ में आएगी। अरवी को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम कुरकुरा सा हमने इसको बना दिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है इसमें। अगर इस तरीके से अरवी को बनाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। घर में कोई अगर कुछ चीज़ें पड़ रही है या फिर कुछ ऐसा आपको बनाना हो, तो इस तरीके से अगर आप बनाएं तो जो लोग अरवी नहीं भी खाते हैं वो भी खाने लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसको छान के हम निकाल ले रहे हैं एक अलग से बर्तन में, और इसी कढ़ाई में हम सब्ज़ी भी बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे अरबी का कुछ लुक इस तरीके से हो गया है, एकदम कुरकुरा सा, बिल्कुल आलू फ्राई की तरह देखने में लग रहा है, लंबा लंबा, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और इसकी सब्ज़ी तो बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है अगर इस तरीके से बनाई जाती है तो। इससे पहले 2 से 3 बार अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं ग्रेवी के लिए। 1 छोटी चम्मच पंचफोरन और अब खूब सारे प्याज हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए। 250 ग्राम प्याज लिया था हमने, बहुत ही बारीकी से इसको काटा हुआ है हमने। प्याज को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन करेंगे, और प्याज को एकदम अच्छे से जब भुन जाएगा उसके बाद इसमें हम मसालों को डाल करके फिर मसाले को भूजेंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगेंगी। अरवी की सब्ज़ी में ग्रेवी बिल्कुल रसेदार हो जाएगा। मसाले में हमें चाहिए 1 बड़ी चम्मच धनिया, 1 बड़ी चम्मच सरसों दाना, 1 बड़ी चम्मच गोल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच जीरा, 5 लौंग और 1 काली इलायची, लहसुन की 1 पोट ले लिया है हमने, और 1 छोटा सा अदरक। मसाले को हमने पीस लिया और हम डाल रहे हैं। पीस के मसाले हम डालते हैं, बहुत ही सब्ज़ी अच्छी बनती है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं हम इसमें क्या क्या डाले हुए हैं। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गोल मिर्च, 1 काली इलायची, 5 लौंग, इसके साथ ही 1 पोटली लहसुन और छोटा सा अदरक। अब हम नमक डाल देते हैं। सिर्फ मसाले के अनुसार ध्यान रहे कि हम ऑलरेडी अरवी फ्राई करते टाइम में डाला हुआ है नमक को, इसीलिए अब सिर्फ स्वाद अनुसार। अब 1 चम्मच हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने मसाले पीसते टाइम मिर्च का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि सब्ज़ी तो थोड़ा तीखा भी चाहिए और कलर भी अच्छा सा चाहिए, इसीलिए हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब हम अच्छे से इसको भूनेंगे मीडियम और लो फ्लेम करके, मसाले को अच्छे से पकाएंगे जब तक मसाले में से अच्छी अच्छी खुशबू ना आने लगे, और जब साइड से तेल निकलने लगेगा तो समझ जाएगा कि मसाले तैयार हैं। तो अब इसमें हम हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं और साथ में सब भूनते रहेंगे। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको भून लेते हैं। सब्जियां हम बहुत सारे अपने चैनल पे डाल रखे हैं, लगभग 500 से 600 सब्जी हमने डाला हुआ है, हर तरह की सब्जी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे चैनल पे देखिए, आपको एक से बढ़ के एक सब्जी मिलेगी। और जितनी भी सब्जियां अगर आप देख के बनाएंगे, वो सब्जियां आपकी बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं ऐसे चैनल पे हम पहुँचे जहाँ पे एकदम अच्छी अच्छी सब्जी मिलती है। और बिल्कुल हम बेसिक तरीके से बताते हैं, एकदम घरेलू मसाले के साथ में, स्वादिष्ट और हेल्दी भी होता है।
अब हम पानी डाल देते हैं। पानी हम डालेंगे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। मसाले को बहुत ही अच्छे से भुजा हुआ है, इसलिए देखिए पानी डालते ही सारे ऑयल निकल के आ रहे हैं। लग रहा है कितना ज़्यादा ऑयल का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑयल बहुत कम हमने डाला, लेकिन मसाले को भूजने की वजह से ऑयल जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है और सब्जी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। ये दूसरी कटोरी, छोटी सी कटोरी से हम डाल रहे हैं, और अगर ग्लास से नापेंगे तो ये ग्लास के ही साइज की है। इसको अच्छे से चला रहे हैं ताकि जो नीचे मसाले चिपक जाते हैं वो भी निकल आए। और एक कटोरी और डाल दिया, कुल मिलाकर के हमने तीन डाल दिया पानी, तीन कटोरी। अब इसको हम छोड़ देते हैं ताकि उबाल आ जाए, और एक उबाल आएगी तो उसके बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ अरोई को ऐड करेंगे, और इसके बाद इसको हम थोड़ा पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप, उबाल आ चुकी है हमारी, तो अब हम अरवी को डाल देते हैं। क्योंकि अरबी सिर्फ फ्राई हुआ है, पका तो है नहीं, और हमें उसको पकानी भी है, तो रस्से में थोड़ा देर उसको छोड़ना भी चाहिए वरना ये पक जाए। और एक चीज़ बहुत ध्यान है, अरवी की सब्ज़ी में खट्टा पदार्थ ज़रूर से डाला जाता है, या नींबू या खटाई अगर आप यूज़ करते हैं तो सबसे लास्ट में उसको डालिए, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो सब्जी मसाला पकता नहीं है, खट्टा चीज़ से सब्जी मसाले पकते नहीं हैं, इसीलिए लास्ट में डाला जाता है। तो इसको हम लास्ट में डालेंगे जब हमारी अरवी पक जाएगी, उसके बाद हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम करके। तो ये देख सकते हैं 2 मिनट बाद हम इसको खोले हैं और ये लगभग लगभग पक चुका है, थोड़ा और पकाने की हमें ज़रूरत है। अब हम इसको ढकेंगे नहीं, खुले आंच में ही इसके रस्से को भी थोड़ा सुखाएंगे, और अरबी भी लगभग पक जाएगी तब तक। अब हम डाल देते हैं 1 बड़ी चम्मच आमचूर पाउडर, क्योंकि ये हमारी अरबी जो है वो पक चुकी है, तो अब हम आमचूर डाल सकते हैं और थोड़ी देर गैस पर रख के गैस ऑफ कर देंगे। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम गाढ़ा कर दिया है, एकदम ग्रेवी वाली अरवी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। रस्सेदार नहीं है, रस्सा हमने सिर्फ इसलिए डाला था ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से पका सके, और उसके बाद जो सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन है, और ये स्वाद में बहुत 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 ज़्यादा स्वादिष्ट है। उम्मीद करते हैं कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि जितने भी हमारे हेल्दी हेल्दी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ आए उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और आप सारी चीज़ों को देखते रहें और अच्छे अच्छे खाना का स्वाद लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।